तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हूँ नोबिता। अच्छा बताओ तुम्हारा स्कोर क्या था? मुझे जीरो मिला है। क्या तुम्हें एक जीरो मिला है? पर तुमने तो कहा कि तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। और मैं तो यूं ही तुम्हारे लिए खुश होकर आंसू बहाने लगा। डोरेमोन पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। अच्छा सुनाओ अपनी कहानी। नोबिता ये एक नया रिकॉर्ड है। अरे सर ये आप क्या कह रहे हैं? तुम पहले हर टेस्ट में जीरो लाते थे, अब तुम्हें कभी कभी जीरो मिलता है। इसी तरह मेहनत करो, तुम्हें जीरो मिलना बंद हो जाएगा। क्यों, ठीक है ना? जी। ओह मैं अब समझा, तो ये तुम्हारा रिकॉर्ड है। क्यों, है ना ये कमाल की खबर। मैं अभी मॉम को दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाओ नोबिता। अब क्या प्रॉब्लम है? जरा सोचो, ये सच है कि तुम्हें बहुत टाइम के बाद जीरो मिला है, लेकिन क्या मॉम डैड इससे खुश होंगे? हाँ तुमने सही कहा, मुझे जरूर डांट पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये खुशी का मौका है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है नोबिता? मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट पेपर मुझे छुपा लेना चाहिए। हाँ, नया रिकॉर्ड बनाना कितना अच्छा काम है। ऑलराइट। हाँ? देखो मैं आ गया। लेकिन तुम कहाँ? हाँ? हाँ? अरे वाह, ये तो डोरा केक से भरा हुआ है। देखो ये एक प्रीमियम डोरा केक है। थैंक यू। हाँ? जब तुम इसे बंद कर दो तो ये फिर से श्रिंक हो जाता है। चलो नोबिता अब हम तुम्हारे नए रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करते हैं। ओके ये! अब तुम ऐसे नए रिकॉर्ड बनाते रहना, ठीक है? बिल्कुल बनाता रहूँगा। अच्छा मुझे जूस मिलेगा? मैं ये देख कर आता हूँ कि और सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डोरेमोन के गैजेट्स तो सचमुच कमाल के हैं। हुँ? अरे ये कैसी आवाज है? हाँ? ये क्या हो रहा है? ओह नो, आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। क्या कर रहे हो? जरा इधर तो देखो। अरे ये तो क्लैम है, इसके जैसा लगता है। नहीं इस बार। हाँ? इसमें कोला जूस सब कुछ है, जो चाहिए ले लो। अरे वाह, क्या ये कोई कैप्सूल है? हाँ ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है। इसे बंद करने के बाद ये अपने आप जमीन के अंदर चला जाता है, और डोरा केक्स भी कैप्सूल के अंदर टाइम रुक जाता है। इसका मतलब हम इसके अंदर जो भी रखेंगे वो। अच्छा क्या तुम मुझे एक खाली क्लैम दे सकते हो? हाँ जरूर, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमेशा की तरह कोई शरारत करेगा। ये लो। मुझे पहले ही पता था ऐसा ही कुछ होगा। क्यों नहीं, आखिर मैंने टेस्ट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है डोरेमोन, वैसे भी ये सेलिब्रेशन है ना? ये जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। ये लो। ओह मुझे ये वाला चाहिए। लेकिन नोबिता ये तो सबसे बड़ा वाला है। फिर मैं इसके अंदर अपने बहुत सारे टेस्ट पेपर छुपा सकता हूँ। ये मुझे पता था। अरे वाह, ये नीचे जा रहा है। अब तो मुझे मॉम के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही कहा। ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं तो ये सब इसलिए ले आई थी क्योंकि ये सेल में अवेलेबल थे, लेकिन समझ नहीं आता कि अब इन्हें कहाँ स्टोर करूं। क्या हुआ मॉम? इतना सारा सामान, इतनी सारी जूस बॉटल, पैक्ड फूड, यहाँ क्या हो रहा है? अरे मैं ये सामान इसलिए लेकर आई थी कि हम इन्हें इमरजेंसी राशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तो। अगर मैं इसे घर में रखती हूँ और आग लग जाती है तो ये सामान बर्बाद हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? हाँ मैं संभाल लूंगा। ओह नो, ये लड़का फिर शुरू हो गया। सच में पिता बेटा, तुम्हें तो मेरी चिंता है। क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम करने जा रहे हो वो सही है? मॉम की मदद करने में आखिर क्या बुराई है डोरेमोन? क्या ये सामान सच में यहाँ फिट हो जाएगा? ये इतना आसान है। मॉम इसके बाद हम इसे जमीन के अंदर छुपा देंगे। मॉम क्या हम आपके पैसों को भी अंदर छुपा दें? क्यों? नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। वैसे कहना पड़ेगा, ये गैजेट बड़ा कमाल का है। इस गैजेट का इस्तेमाल मुझे दुनिया की मदद के लिए करना चाहिए, वैसे भी मेरी जिंदगी का यही मिशन है। डोरेमोन बाय बाय। मेरी समझ में नहीं आता ये नादान लड़का दुनिया की मदद कैसे कराएगा। मुझे इस बारे में नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास जरूर कोई कीमती चीज होगी शिजुका, सोचो ना, कोई डायमंड रिंग या कीमती डॉल। नहीं है नोबिता। ओह जरा एक मिनट रुको नोबिता, सुनो तो सही। हाँ? क्या तुम्हारे पास कुछ है शिजुका? कुछ खास नहीं, मेरे पास एक डायरी है नोबिता, ये घर पे थी। और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे पीछे से इसे पढ़ने की कोशिश की। हाँ तुमने सही कहा, और मैं नहीं चाहती थी कि वो इसे पढ़े,
तुम चिंता मत करो। अगर तुम इसे इस क्लैंप पैक में रख दोगी तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। निकाल लेना और दोबारा रख देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। इसमें बड़ी बात नहीं है शिज़ुका, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अच्छा मुझे होमवर्क करना है, मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ? बाय। अच्छा फिर मिलेंगे शिज़ुका, अभी मुझे दूसरों की मदद भी करनी है। ओ, क्या ये क्लैंप ये काम कर सकता है? अरे सुनो नोबिता, इसको मैं अपने पास रखता हूँ। और हाँ सुनो, मेरे पास खर्च करने के लिए इतने पैसे हैं कि मैं जो भी खिलौने और कॉमिक्स चाहूँ खरीद सकता हूँ, और वो भी बिना किसी परेशानी के, समझे तुम? इसलिए मेरे पास मेरे रूम में ज्यादा स्टोरेज की जगह नहीं है, समझे? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहो तो इनमें से कुछ खिलौने ले सकते हो। क्या सच में? ये भी लो। हाँ शायद इतना काफी होगा। अच्छा फिर इसे अंदर डाल दो। हाँ? चलो चलकर इन्हें दफनाते हैं। ओके। तो सुनियो, तुम मैंने कहाँ छुपाओगे? देखो नोबिता, हमारा यार्ड बहुत बड़ा है तो हम इन्हें कहीं पे भी दफना सकते हैं। ये जगह कैसी रहेगी नोबिता? क्या इन्हें यहाँ पर दफनाना ठीक रहेगा? तुम बस इन्हें जमीन पर बिखेर दो और ये अपने आप जमीन के अंदर चले जाएंगे। हाँ? अरे नोबिता, ये तो अपने आप ही अंदर धंस रहे हैं। ये तो बहुत मजेदार है। ये भी लो। पता नहीं चलेगा, अब मैं जाकर तसल्ली से टॉयज और कॉमिक्स खरीद सकता हूँ। हुर्रे! अरे सुनियो, तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो देखो जियान वहाँ है। नोबिता गजब हो गया, जियान ने हम दोनों को देख लिया है। क्या, जियान ने देख लिया? मुझे पता है, वो जरूर बाद में आएगा इन्हें खोदने के लिए, उसे हर हाल में रोकना होगा। प्लीज कुछ करो नोबिता, तुम ही मेरे टॉयज और कॉमिक्स बचा सकते हो। हाँ? अब मैं क्या करूँ? डोरेमोन से बात करता हूँ। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? एक टूल जिससे कोई और तुम्हारे क्लैंप्स खोद नहीं सकता? तुमने सही सुनी, बहुत परेशान है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे गैजेट से तुम हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो। तुमने ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? जियान मेरा दुश्मन है, तुम्हें तो पता ही है नोबिता, इसीलिए। देखो डोरेमोन ने कहा कि हम इन्हें आसपास बिखेर दें। लेकिन ये तो क्रैब्स हैं। क्या तुम्हारे क्रैब्स टॉयज और कॉमिक्स बचा पाएंगे? चिंता मत करो, आखिर डोरेमोन ने ऐसा कहा है। अब हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं, अगर बुरा ना मानो तो करेंगे ना। नोबिता जरा मुझे बताओ कि तुम्हें अपने क्रैब्स पर पूरा भरोसा है? अरे सुनियो, इतनी चिंता मत करो, ओके? बचाओ बचाओ मुझे, कोई मुझे इनसे बचाओ। अरे अरे इनको हटाओ यहाँ से। सुनो नोबिता, तुमने मेरे टॉयज को जियान से बचा लिया, थैंक यू। अभी तो मुझे बाकियों की मदद भी करनी है। हाँ, डिनर बनाने का टाइम हो गया है। अब पता नहीं मैंने वो चीजें कहाँ रख दी जो मैं आज लाई थी। ओह लगता है मैंने इमरजेंसी सप्लाईज के साथ उन्हें आंगन में दबा दिया है। ओह नो, लगता है मुझे खुद जाकर उन्हें लाना ही होगा। चलो मुझे मिल ही गया, यही तो है वो। नोबिता भीना, मैं घर आ गया। तुमने बहुत देर से नहीं देखा। क्या बहुत देर से? नोबिता बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये तो वो टेस्ट पेपर है जिसे मैंने सुबह दफनाया था। इधर देखो नोबिता, लगता है मॉम ने गलती से इमरजेंसी सप्लाई के लिए खुदाई की और वो उस क्लैम में गिर गई है। वो क्लैम जमीन के नीचे है। इसका मतलब मॉम क्या जमीन के नीचे है? वक्त बहुत कम है, हमें खोद कर उन्हें निकालना होगा। अरे एक सेकेंड रुक जाओ। हा? उन्हें बाहर निकाला तो मुझे डांट पड़ेगी। नोबिता जल्दी से मुझे बाहर निकालो। तो तुमने हा? क्या कहा था, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? हमें जल्दी कुछ करना होगा। प्लीज डोरेमोन, जमीन की खुदाई मत करो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बड़ी भूख लगी है। नहीं खोदना। अरे ये क्या हो गया, बॉल कौन लाएगा? बॉल मैं जाकर लेकर आती हूँ नोबिता। शिज़ुका ध्यान से, मिस्टर कामिनारी बहुत गुस्से वाले इंसान है। ध्यान से का क्या मतलब है नोबिता, क्या तुम बॉल लाने नहीं जा सकते?
क्या मैं वो सोच रहा था कि मैं शिजुका के लिए प्रार्थना करूंगा। बॉल तुम्हें ही लानी पड़ेगी क्योंकि तुमने थ्रो किया था, समझे? चलो हम सब जाकर ले आते हैं। हाँ ठीक है शिजुका, सब चलते हैं। ओके तुम भी चलो। हाँ चलो ठीक है। हेलो, क्या घर पर कोई है? माफी चाहती हूँ, हमारी बॉल आपके यार्ड में आकर गिर गई है, आपका नुकसान तो नहीं हुआ? वाह तुम कितनी पोलाइट और प्यारी हो, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। लो अपनी बॉल ले लो, जाओ खेलो। चलो अब हम सब बेसबॉल प्रैक्टिस करेंगे, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। हे तुम दोनों क्या कर रहे हो, अपनी नजर बॉल पर ही रखो, समझे? शिजुका तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, मिस्टर कामिनारी ने तो तुम्हें डांटा ही नहीं। हा? क्या वो हमेशा गुस्से में होते हैं नोबिता? हाँ खेलो। हाँ? अरे लेकिन इनसे पहले तो हम यहाँ खेल रहे थे। लेकिन हम सब यहाँ से ग्राउंड छोड़कर खेल रहे थे, समझे? क्या कहा तुमने, क्या तुम देख नहीं सकते कि हम लोग यहाँ पर अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या प्रैक्टिस हो रही है, इस बारे में तो मुझे किसी ने नहीं बताया। तुम अच्छे प्लेयर नहीं हो इसलिए तुम हमारी टीम में बिल्कुल नहीं खेल सकते हो, और वैसे भी तुम्हें प्रैक्टिस के बारे में बता के क्या फायदा। अब तुम दोनों बस भी करो। अपना रोना धोना बंद करो, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, समझ गए? नोबिता तुम हमारी प्रैक्टिस को रोक रहे हो, यहाँ से चले जाओ। चलो दोबारा शुरू करें। हे कहाँ देख रहे हो, ध्यान लगाओ। देखो मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ मैं भी। अरे तुम लोग घर जा रहे हो, चलो हम कहीं और जाकर खेलते हैं नोबिता, पार्क में किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, समझे तुम? ओ नहीं, ये पार्क भी भरा हुआ है, अब हम क्या करें? चलो कहीं और चलें। यहाँ आसपास भी कोई और पार्क नहीं है। मेरे ख्याल से अब मुझे घर चलना चाहिए। बाय। अरे जरा रुको शिजुका, सुनो ना शिजुका। हाँ डोरेमोन। क्या तुम चाहते हो कि मैं शिजुका के लिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड बनाऊं? प्लीज डोरेमोन तुम मेरी मदद कर दो ना, जहाँ पर मैं और शिजुका खेल रहे थे वहाँ पर जियान के ग्रुप ने कब्जा कर लिया, छोटे बच्चे दूसरे बार शिजुका के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना, बोलो मैंने सही कहा ना डोरेमोन? हाँ सही कहा, पर मुझे पक्का पता है कि ये असलियत में तुम अपने लिए मांग रहे हो, है ना? इन एंड आउट मिरर। हाँ लेकिन मैंने तो एक प्लेग्राउंड मांगा था, एक मिरर नहीं, इस मिरर का मैं क्या करूँगा? मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अच्छा तो क्या तुम सब अपनी पोजीशंस पर हो? कम ऑन, तुम इतना सिंपल कैच भी नहीं पकड़ सके? देखो उस जियान को कितना रॉब झाड़ रहा है, और पता है उसने मुझसे पूछा भी नहीं, कितना बुरा है वो। चुप रहो, वो हमें देख ना पाए। पकड़ो उसे। लो। अरे डोरेमोन तुम इस मिरर के अंदर कैसे घुस गए? अरे मैं भी इसके आर पार जा सकता हूँ। हम कहाँ है डोरेमोन? ये बस खाली ग्राउंड है जो मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ ये तो बिल्कुल खाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर चीज बिल्कुल उल्टी तरफ है। सब चीजें उल्टी तरफ है, इसका क्या मतलब हुआ? जरा इधर तो आओ। अब जरा ऊपर देखो नोबिता। अरे अब मैं समझा। लेकिन डोरेमोन, ये वो दुनिया है जो मिरर के दूसरी साइड बनी है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना? हाँ नोबिता तुमने सही कहा। ये नोबिता रुको, तुम्हें इस दुनिया की चीजों को अपनी जगह से नहीं हिलाना है, वरना वो असली दुनिया में भी हिल जाएंगी। फौरन रुक जाओ। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अरे यूपी, इसका मतलब मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना? ऐसा करते हैं, अब हम शिजुका को बुलाते हैं। हाँ लेकिन उससे पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम बस चलो डोरेमोन। देखो नोबिता, जियान के घर का रास्ता इस तरफ है। ओ अब मैं समझा, तुम्हारी इस दुनिया में सब कुछ उल्टा हो जाता है ना? ये बताओ आखिर तुम जियान के घर जाके करने क्या वाले हो? मैं वो सारी कॉमिक बुक्स वापस लूंगा जो उसने मुझसे छीन ली थी। जरा देखते हैं। ये मेरी है, ये भी। सुनो अगर मैं ये सारी कॉमिक बुक्स वापस नहीं लूंगा तो वो मुझे कभी नहीं देगा। लगता है आज मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में भी अच्छे आइडियाज कभी कभी आ जाते हैं। आया लेकिन अब तुम ही बताओ मैं इन्हें कहाँ रखूँगा? तुम इन कॉमिक्स को अपने घर पे क्यों नहीं रख देते नोबिता? आ, आ,
ये सब क्या है? नोबिता, कितनी अजीब बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये हुरे, यूपी। डोरेमोन, क्यों ना हम किसी और जगह पर जाकर खेलें? क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? किसी और जगह से तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो असली दुनिया ही है, हम तो बस उसकी रिफ्लेक्शन में घूम रहे हैं। मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि आइडिया। हेलो, घर में कोई है? अरे वाह, आज तो मैं सुनियो के वीडियो गेम से खेल पाऊंगा। माफ करना सुनियो, नोबिता तुम्हारी गेम से खेलेगा। अरे ये क्या, सुनियो ने अपना वीडियो गेम ऑन रख दिया। ये तो बड़ा ही लापरवाह बच्चा है, मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। अरे ये क्या, ये गेम तो ऑफ हो गया। अरे ये गेम अपने आप कैसे ऑन हो गया? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। सुनियो देखो तो, शायद तुम्हारा गेम खराब हो गया है। लगता है मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं कुछ देर आराम कर लूँ। ये गेम तो बढ़िया था, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये मिरर तो तुमने शिजुका के लिए मांगा था ना? हाँ वो मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है ना? मना मत करना। क्या स्कूल में? पर वहाँ किस लिए जाओगे? ओ, वो तो मैं सच बताऊँ तो इधर आओ। हाँ? अच्छा तो तुम कल के टेस्ट के आंसर्स देखना चाहते हो? हाँ डोरेमोन, वो इसलिए कि मैं एक बार अपनी लाइफ में 100 मार्क्स लाना चाहता हूँ। ये बहुत गलत बात है नोबिता, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें इस मिरर वर्ल्ड से बाहर निकाल दूंगा। आंसर्स देखने के बाद अच्छे मार्क्स, तुम समझ गए नोबिता? मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, शायद मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। चलो चल के शिजुका को बुलाते हैं, ठीक है ना? शिजुका! ओ हाय नोबिता, हाय डोरेमोन। शिजुका तुम क्या कहती हो, क्या तुम फिर से मेरे साथ वॉलीबॉल खेलना चाहोगी? जियान और उसकी टीम ने बेसबॉल प्रैक्टिस खत्म कर दी है। नहीं, वो लोग तो अभी भी वहीं पर हैं। तो हम कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? पता है, मैंने और डोरेमोन ने तुम्हारे लिए एक नई जगह बना रखी है। क्या, सच? हाँ बिल्कुल। हाँ। कहना पड़ेगा, नोबिता के बगैर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, क्यों? हाँ सही कहा जियान, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उसकी बातें भूल जाओ और चलो मेरे साथ। अरे तो क्या हम मिरर के अंदर जा सकते हैं? हाँ शिजुका, हमें इस मिरर के अंदर जाकर ही तो खेलना है। जियान अगर तुम कहोगे भी ना, तो भी मैं तुम्हें इसके अंदर नहीं लेके जाऊंगा, कभी नहीं। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या जियान? मुझे लगा मैंने नोबिता की झलक देखी। लेकिन कहाँ पर? वो उधर, वहाँ फेंस के पास। शायद वो हमें देखने आया हो, क्योंकि बिना हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। हे, क्या तुम लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? बहुत मजा आ रहा है ना शिजुका? तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल हमारे उसी ग्राउंड जैसा लगता है, यहाँ खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो नोबिता, हम खेलना शुरू करें। ये लो। अरे 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 अरे, करो, ये मिरर वर्ल्ड है, मतलब मिस्टर कामिनारी घर पर नहीं है। देखो ये रही हमारी बॉल। मैं खुश तो हूँ डोरेमोन, लेकिन इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि असली दुनिया में इस वक्त न जाने क्या हो रहा होगा। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खिड़की की कांच तोड़ने की, और फिर माफी भी नहीं मांग रहे? हमने आपसे कहा ना अंकल कि हमने कोई कांच नहीं तोड़ा है, हमारा कोई कसूर नहीं है। बचाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अंकल हम झूठ नहीं बोल रहे। कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम लोगों को सबक सिखा के ही रहूँगा। उन्होंने कहा था कि मेरे बिना उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, क्यों अब आया ना प्रैक्टिस का मजा? लेकिन ऐसा होने देना भी तो सही नहीं है ना? शायद नहीं, पर कभी कभी ऐसा होने से हमें दुख नहीं होना चाहिए। तुमने लगता है अंकल प्लीज हमें माफ कर दीजिए, वो सच में हम नहीं थे। अंकल प्लीज हमें माफ कर दीजिए।